मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ब्लॉक शहन नगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सलेया फेरन सिंह के ग्राम ठरका में हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हनुमान मंदिर ठरका के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं बनवाया गया, बल्कि भक्तों को उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ता है। वहीं यदि थोड़ा सा भी पानी गिर जाए तो भक्तों को कीचड़ से मंदिर तक जाना पड़ता है। मंदिर में जहां हर मंगलवार व शनिवार को सैकड़ों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, वहीं पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार से आवागमन का साधन नहीं किया। वहीं हिनौती धाम के रास्ते में स्वीकृत पुलिया निर्माण कार्य वर्ष 2018 से 5 लाख रुपए में निर्माण करवाया गया, लेकिन जिस जगह पर पुलिया का निर्माण होना चाहिए थे वहां न होकर पुलिया को लगभग 20 मीटर दूर करवाया गया है, जहां पुलिया की आवश्यकता ही नहीं थी। जहां पुलिया का निर्माण होना था वहां नहीं हुआ। जहां आज भी घुटने से पानी बह रहा है वहां से ग्रामीण व दर्शनार्थी आज भी पानी से गुजर रहे हैं। इस विषय में सरपंच व सचिव से बात की तो बोले कि जहां से पानी बह रहा है वहां भी पुलिया का निर्माण करवाएंगे, यह तो शासन की राशि का दुरुपयोग है, यह गलती है या लापरवाही, अब यह तो शासन ही जाने। शाहनगर पन्ना से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रसाद रे कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? बोरी से। खेती है यहाँ? खेती है। तो ये जो पुलिया का निर्माण हुआ है क्या सही जगह में हुआ है पुलिया निर्माण? नहीं, कहाँ होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, रोड से आगे भी इतने गड्ढा और आगे। तो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं हुआ? नहीं हुआ। और पुलिया का निर्माण कहाँ करवाया गया है? ये अलग साइड। अलग? तो आप लोगों ने बोला नहीं है सरपंच से? ये हमारा अभी आवागमन हो गया, पहले उस साइड से था। अच्छा, नहीं अभी तो आपने देखा तो होगा, तो कहा नहीं है कि ये क्या आप उल्टा करवा रहे हैं? अरे बड़े बड़े लोग थे। अच्छा, बच्चों को क्या, जो बड़े करवाएंगे वही होगा। ऐसा मतलब यहाँ होना चाहिए था, है ना? पानी की जहाँ टूट है वहाँ से, वहाँ ना होके वो यहाँ करवाया गया है, यहाँ पे करवाया गया। खेत दिख रहा है यहाँ पानी हाँ। का आवागमन कहाँ है? यहाँ नहीं है। जो पानी यहाँ से आता है यहाँ से निकल जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? नरेश। कहाँ से हैं आप? ठरका। ठरका ग्राम पंचायत सलैया फेरन। क्या समस्या है? ये कीचड़ मचा है यहाँ पर, 50 जगह के आदमी आते हैं। मंदिर विख्यात है, बजरंग धाम ठरका के नाम से विख्यात है। यहाँ 50 जगह के आदमी आते हैं जी, और देख करके चले जाते कि ये गांव कैसा है, कि जो कीचड़ नहीं फेंकवा सकी पंचायत। कहाँ के हैं आप? बोरी। कौन सी पंचायत लगती है? बोरी। बोरी पंचायत? ये सलैया पंचायत में। सलैया पंचायत में ये पुलिया ना, जो ये पुलिया का निर्माण हुआ है ये सलैया पंचायत में, ये सामने देख रहा है, ये यहीं पर होना चाहिए था क्या? नहीं, आगे होना चाहिए। आगे कहाँ पे? ये जहाँ से पानी निकल रहा है। अच्छा, वो जो पानी निकल रहा है, तो आप लोगों ने संबंध में कुछ कहा नहीं सरपंच से, गड्ढी से? नहीं, उनको बनाना चाहिए था वहीं से, लेकिन बना दिया यहाँ से। बोल रहे थे लोग बाकी यहाँ से बनाओ, लेकिन बोल रहे थे वहाँ से यहाँ तक पूरे में पूरा हो जाएगा तो पानी यहीं। अभी आपकी पंचायत में हम लोग भ्रमण में गए हुए थे जी। तो ठरका में जो सिद्ध स्थल हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाने में ग्रामीणों को और दर्शकों भक्त लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। तो वहाँ पर सीसी निर्माण नहीं है बताया जा रहा है, और गंदगी फैली हुई है जी। जबकि आज गांधी जयंती है और स्वच्छता अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर ये स्थिति है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में वसीयर समीम खान जी अभी 20 मिनट पहले मुझको फ़ोन किया था, वो आ रहे, एस्टिमेट बना रहे हैं। एक हाई बगिट्टी गिर चुकी है, एक शाम तक आने वाली है, कल से काम शुरू हो जाएगा सीसी रोड। अच्छा, दूसरा जो है आपकी जो पुलिया निर्माण किया गया है हिनौती मार्ग में, कौन सा हिनौती मार्ग में? तो जिस जगह पर पुलिया निर्माण होनी थी, जहाँ से पानी का बहाव है वहाँ ना होकर के उसकी दूसरी जगह पे किया गया है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? वसीयर साहब ने वहीं का एस्टीमेट बनाया था तो हमने वहाँ निर्माण कर दिया। अब हम वसीयर साहब से समझेंगे। अब उस पुलिया को ग्रामीणों को या जो श्रद्धालु जाते हैं हिनौती मंदिर में, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, और वहाँ जहाँ पर होना चाहिए था पुलिया वहाँ पर ना होकर के वहाँ पर पानी का बहाव है, वहाँ से जो ग्रामीण जाते हैं या श्रद्धालु जाते हैं घुटनों से पानी भरा हुआ है। जैसे ही पानी निकल जाएगा तो वहाँ की कुछ ना कुछ व्यवस्था वसीयर से समझ के। और तालाब का कैसा क्या मैटर है?
अब तालाब के लिए वसीयर आ रहे हैं, तो उनको मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो क्या कहते हैं एस्टीमेट बना करके, तो उसकी मरम्मत के लिए मिट्टी डलवा देंगे मेड़ पर उसकी। हरका ग्रामवासियों ने कहा, यदि समय रहते ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी अगर ऐसा उचित कदम उठा लिया जाता तो यह तालाब नहीं फूटता, ना ही शासन का नुकसान होता, इस संबंध में क्या कहेंगे? तो वहाँ उन लोगों ने हमको पहले बताया नहीं था, पानी भरा था उसका, आज तक नहीं फूटी है वहाँ तक, अभी जब से निर्माण हुआ है, अब इस वर्ष वर्षा हुई है तो फूट गई है। तो ग्रामीणों को कहना है कि हमने कई बार अवगत कराया ग्राम पंचायत को, नहीं कराया उन्होंने, एक बार कहा था तो हमारे वसीयर साहब ने कहा था मैं आऊँगा, तो वहाँ पर भाई भारी वर्षा हो रही थी, वाहन नहीं जा रहे थे, न जीसी मशीन लग रही थी।